देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया। नींद नहीं आए इसलिए भीषण गर्मी में भी कूलर से रही दूर, आईएएस बनकर हिमानी। आईएएस बनना सिर्फ सपना ही नहीं, एक जिद थी, जुनून था कि वंद्रा के लिए आईएएस बनना है। जिस तरह से अर्जुन ने मछली की आंख को निशाना बनाया और उस दौरान सिर्फ उन्हें आंख ही दिखाई दी, उसी तरह वंदना के लिए भी आईएएस बनना मछली की आंख की तरह ही था। वंदना ने इसके लिए अपनी सभी ऐशो आराम छोड़ दिए, यहाँ तक कि भीषण गर्मी में कूलर से सिर्फ इसलिए दूर रही ताकि उन्हें नींद न आए। घर से बाहर निकलना बंद कर दिया और 12 से 14 घंटे रोजाना पढ़ाई करके आखिरकार उस लक्ष्य को पा ही लिया जिसे वो जी रही थी। वंदना ने 24 साल की उम्र में ये मुकाम हासिल किया है। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा 2012 में उन्हें 8वां स्थान और हिंदी माध्यम से पहला स्थान मिला है। ये रिजल्ट वंदना के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं था। उन्होंने पहली ही कोशिश में ये कारनामा कर दिखाया, जबकि उन्होंने ना तो कोई कोचिंग की है और ना ही कोई उन्हें पढ़ाने या मार्गदर्शन करने वाला था। इसके बावजूद वंदना ने आखिरकार ये कर ही दिखाया। वंदना पूरी शिद्दत के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी और इसके लिए उन्होंने खुद को इस तरह से बना लिया कि वो घर पर हैं ही नहीं। एक साल तक अपने कमरे में रहकर वो केवल किताबें पढ़ती रही। किताबें खरीदने भी वे कभी बाहर नहीं गई। अपने घर का रास्ता और मोहल्ले की गलियां तक वंदना को ठीक से नहीं मालूम है। वंदना कहती है कि बस यही थी मेरी मंजिल जिसे मैंने पा लिया। दरअसल वंदना का जन्म हरियाणा के नसरुल्लागढ़ गांव के एक साधारण से परिवार में हुआ। उनके घर में लड़कियों को पढ़ाने का चलन नहीं था। वंदना की शुरुआती पढ़ाई भी गांव के सरकारी स्कूल में हुई। पिता महिपाल सिंह चौहान ने बताया कि गांव में स्कूल अच्छा नहीं था तो बेटे को बाहर पढ़ने भेजा। उसी दिन से वंदना भी रट लगा बैठी कि मुझे भी बाहर पढ़ने जाना है। मना करने पर वंदना ने लड़की होने पर पढ़ने नहीं भेजने को कहा तो ये बात पिता को कुछ दिल में चुभ सी गई और परिवार के सभी पुरुषों के विरोध के बाद भी आखिरकार उन्होंने वंदना को 6ठी क्लास में मुरादाबाद के लड़कियों के एक गुरुकुल में पढ़ने भेज दिया। वहाँ के नियम बहुत ही कठोर थे जिनका वंदना ने पूरी तरह से पालन किया। 10वीं के बाद वंदना ने अपनी मंजिल सोच ली थी। इसके लिए वो प्रतियोगी पत्रिकाएं 10वीं के बाद वंदना ने अपनी मंजिल सोच ली थी इसके लिए वो प्रतियोगी पत्रिकाएं और किताबें पढ़ने लगी। मैगजीन में वो टॉपर्स के अधिकतर इंटरव्यूज पढ़ती थी और उनकी कटिंग अपने पास रखती थी ताकि ये उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा सके। किताबों की लिस्ट बनाती थी और उन्हें मंगवाती रहती थी। 12वीं के बाद उन्होंने घर पर रहकर लॉ की पढ़ाई की। उसके बाद घर पर 12 से 14 घंटे पढ़ाई करने लगी। नींद आने लगती तो चलते चलते पढ़ती। एक साल तक घर के लोगों को भी उसके होने का लगभग आभास ही नहीं था, मानो वो घर में ही ना हो। किसी को भी उसे डिस्टर्ब करने की इजाज़त नहीं थी। बड़े भाई की 3 साल की बेटी से भी वो नहीं मिलती थी। इसी का नतीजा ये रहा कि वो आज IAS हैं और अब वही लोग जो लड़कियों को पढ़ाने का विरोध करते थे आज उनकी सफलता पर गर्व करते हैं। तो मोना की कहानी से हम ये देख सकते हैं कि अगर व्यक्ति ठान ले तो वो अपने जीवन में तमाम विरोधों के बाद भी सब कुछ कर सकता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।